ब्रह्मविचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी भीड़ा पुस्तकधारिणी मम यदा जड्यंधकार हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी ओम शांति 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 नारायण। वृद्धि रेचि उच्चारण करो इको यणचि तस्मिन्ते निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः अनचि च झलां झषि संयोगान्तस्य लोपः अलोन्तस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः यथा संख्या मनुदेशः समानाम्। छूट गया। एचो यवायावः यथा संख्या मनुदेशः समानाम् वान्तोई प्रत्यये अध्वा परिमाणे च अदें गुणः तपरस्तत्कालस्य आद्गुणः उपदेशे जनुनासिक एत पुराणरपरः लोपः साकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धं वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि। ओम। तो वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र हुआ आ ऐ औ, ठीक है। उसकी क्या संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा। आदिश कहना आत्कार था आ और ए। कल से ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज आ, अब देखिए। चलो, तो वृद्धि आदेश का है ना आत एच, आत का अर्थ आ आकार, और एच कहने से दो बनना है ए आई, ए आई कितना है कुल मिलाकर? तीन। आ ए ए आई तीन बनना होगी। तीन वर्ण की क्या संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा। कौन सी संज्ञा? वृद्धि संज्ञा होती है, हो गया, ठीक है। तो या संज्ञा सा सा प्रयोजनवती, संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन कहाँ पर? विधि सूत्र में होता है। तो वृद्धि सूत्र हुआ वृद्धि रेचि, आत एचि परे वृद्धि एकादेश स्यात्। आत एचि परे बोला अवर्ण से परे अच वर्ण हो, अवर्ण से परे एच एच है ना, एच ही कहा ना, मतलब एच परे रहते। एच प्रत्यय में चार वर्ण आते हैं, हम लोग लिखे ए ओ ऐ ओ, हो गया।
वर्ण से परे, एच वर्ण परे रहते, पर में कौन सा वर्ण हो, एच, एच कहने से कितना है, चार, ए ओ आई औ, ये चार वर्ण हो गए, ठीक है। तो तब क्या होगा, वृद्धि एकादेशस्य, एक अधिकार सूत्र होता है, एक पूर्व परयो, ये अधिकार सूत्र है, कौन सा सूत्र है बोलो, एक पूर्व परयो, उसके अधिकार में जितने सूत्र आते हैं विधि सूत्र, वो विधि दोनों के स्थान पर लगेगी, दोनों के स्थान पर बैठेगी, समझ में आया। हाँ, जैसे आपके सामने आ रहा है देखो, कृष्णधन एकत्वम, कृष्णधन एकत्व, कृष्ण का अकार है अंतिम में और एकत्व का एकार है आदि में, तो कृष्ण में अ प्लस क्या है, एकत्व का ए, ठीक है, तो अ अवर्ण में आया और जो एकत्व का ए एच में आया, है कि नहीं, मतलब दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा, क्या होगा, दोनों के स्थान पर, किस किस के, अकार और एकार, है ना, हाँ, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश होगा, इसको बोलते हैं एक आदेश, समझ में आया ना। तो अब देखो, वृद्धि किसको बोलते हैं, तीन वर्ण को, कौन कौन, आ आगे हैं, हाँ आई और क्या है, ओ, समझ में आया ना, आ ओई, ओ एच बोल दिया ना, हाँ एच कहने से दो, ओई और ओ क्या क्या है, हाँ ऐच का है ना, ओई और ओ, मैंने पहले क्या बोला था, ए ओ बोला था क्या, ऐसा बोला था मैंने, ए आई बोला, ओई ओ करो, शायद बोलने में कुछ हुआ होगा, आ ओई औ, तीन वर्ण है, आ ओई औ, ठीक है, कौन कौन, आ ओई औ, ये तीन वर्णों को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, तो तीनों में से एक को बैठाना है भैया, देखो तो आ ओई औ तीनों में से किसको बैठाएंगे, हैं, तो पीछे एक सूत्र आया स्थानांतरतम, क्या सूत्र, स्थानांतरतम, है कि नहीं, तो आपका स्थानी कौन कौन है, लिखो, अ और ए, अ का स्थान क्या है, कंठ, क्यों भाई, और ए का स्थान कंठ तालु, तो दोनों में अगर कंठ तालु ही हुआ, तो अ का स्थान कंठ और आगे ए का स्थान ए देते हो, कंठ तालु, कंठ तालु हो गया, तो कंठ तालु वाला कौन है, वृद्धि में से वृद्धि हो गए तीन, अब लिखे हो ना, क्या लिखो क्रम से, आ ओई औ, ओई औ, हाँ ओई को ए नहीं समझना, ओई औ, ठीक है, तो आ का स्थान क्या है, कंठ, हमको बैठाना है कंठ तालु को, कंठ तालु वाला आदेश को बैठाना है, तो आ ओई ओ तीनों में से ढूंढो, तो पहला जो आ है, आ का स्थान क्या है, केवल कंठ, कंठ तालु नहीं हुआ, दोनों में होना चाहिए ना, तो उसके बाद आ के बाद क्या है, ओई, तो ओई का स्थान कहाँ पर होता है, उच्चारण कंठ तालु में होता है, तो कौन बैठेगा, ओई बैठ जाएगा, ओई के बैठाओ, कौन कौन हट जाएंगे, कृष्ण का अ भी हट गया और एकत्व का ए भी हट गया, दोनों हट गए और कौन बैठ जाएगा, बोलो, ओई बैठ जाएगा, ओई 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 को बैठा दो, ओई को बैठा देंगे तो जोड़ दो भैया, कृष्णई कत्व, ओके कि नहीं, कृष्णई कत्व, एकत्व मतलब एकता, कृष्ण की एकता है, क्या है, कृष्ण की एकता, ठीक है, हाँ, कृष्ण निर्विशेष स्वरूप होता है, कृष्ण निर्विशेष स्वरूप होता है, हाँ, कृषेर भूवाचक शब्द
रांश्च निवृत्तिवाचक तयोर एक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। भागवत में आया ना, भागवत की सीधे टीका में कृषेर्भुवाचक शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक तयोर एक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो इसलिए कृष्ण की एकता हो गई। अच्छा आगे चलो, गंगाधन ओघ लिखो। गंगा आगे क्या लिखेंगे, ओघ, गंगा प्लस ओघ, ठीक है। गंगा का आ, ओघ का ओ है, तो अब लगाना है वृद्धि रेचि को। यहाँ पर भी आदगुणा प्राप्त था, यहाँ पर ही प्राप्त था, क्योंकि गंगा का आ अवर्ण में आया और ओघ का ओ अच में आया, इसलिए आदगुणा प्राप्त है यहाँ पर भी है। हाँ तो उसको बात करके वृद्धि रेचि लग रहा है। तो गंगा का आ ओघ का ओ है कि नहीं, आ दोनों में दोनों के स्थान पर बैठाना है वृद्धि को। गंगा का आ का उच्चारण कहाँ पर होता है, कंठ, लिखो। आ का स्थान हो गया कंठ, ठीक है। ओघ के ओ का स्थान कंठोष्ठ, लिखो। तो दोनों मिलाकर कंठोष्ठ ही हुआ, दोनों मिलाकर के कंठोष्ठ, समझ में संभव। और कंठोष्ठ वाला कौन है आदेश में से ढूंढो, आपके आदेश कितने प्राप्त हो रहे हैं, तीन, आ ऐ औ। तो आ का स्थान कंठ, हाँ, और ऐ का स्थान क्या है, कंठ तालु, और औ का स्थान कंठोष्ठ, इसलिए कंठोष्ठ वाला औकार बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, औकार बैठ जाएगा, किसके स्थान पर बोलो भाई, दोनों के स्थान पर, गंगा का आ और ओघ का ओ दोनों के स्थान पर औ बैठा दो। क्या बैठा देंगे, औ बैठा देंगे, तो ओ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, गंगो घ, गंगा का प्रवाह। प्रवाह को कहते हैं, अतः वेग को ही बोलते हैं, जो प्रवाह चलता है ना, क्यों भाई, हाँ, इसलिए संसार, ये संसार का प्रवाह भी चल रहा है, संसार तेजी से दौड़ रहा है, बहुत वेग से दौड़ रहा है, क्यों, देखते देखते बुढ़ापा हो जाता है, हैं, फिर राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए कोई कोई प्रवाह से बस छूटता है, जो पंचदशी सुनेगा वही छूटेगा, है ना। ज्ञान के बिना ही प्रवाह से कोई छूटने वाला नहीं है, और कोई उपाय नहीं होता, नहीं तो सब बह जाते हैं। आत्मा ज्ञान नहीं हुआ तो संसार में बह जाएगा, फिर पुनर्जन्म लेगा। आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान केवल मनुष्य जन्म में ही विशेष रूप से होता है, देवता भले ही किसी किसी को हो। चलो तो देखो भाई, गंगो घ, उसके बाद देव धन ऐश्वर्य, लिखो। देव प्लस ऐश्वर्य, ए नहीं ऐश्वर्य, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य, देव का अ ऐश्वर्य का ऐ, दोनों के स्थान पर क्या बैठेगा भाई, कंठ तालु वाला, देव के अ का स्थान कंठ, ऐ के स्थान कंठ तालु, तो कंठ तालु वाला कौन है, हैं, ऐ, ऐ, ऐ बैठ जाएगा, ऐ बैठ जाएगा, देव का अ चला गया, ऐश्वर्य का ऐ भी चला जाएगा, दोनों दोनों को हटा करके ऐ बढ़ गया। ये जो ऐ है ना, ये ऐ जो है, हाँ, ऐश्वर्य का ऐ नहीं है, ये दूसरा ऐ है, ये दूसरा ऐ, सुनते हो, हाँ, जैसे देखो मैंने बोल दिया अभी ऐ, बोला सुन रहे हो ना, उसके बाद मैंने कहा ऐ, दोनों ऐ एक है कि अलग अलग है, नहीं सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर वो नहीं, मेरी तरह सुने,
अभी मैंने कहा ऐ, बोला आप सुना ना, ऐ को सुना, थोड़ी देर बाद हम बोलेंगे ऐ। तो पहले जो ऐ बोला और अभी जो ऐ बोला एक ही है कि अलग अलग है? नहीं 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 अलग अलग है। पहले वाला तो उच्चारण कर नष्ट हो गया। जैसे सुनो, दोनों लोगों से दम कौमदी रख दिया, ये आपको दिखा दिया, ठीक है, दूसरे हाथ में दिखा दिया, दोनों एक ही कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, दिखता है समान। ना ना वो प्रश्न नहीं, वो प्रश्न नहीं, शब्द अलग अलग है, उसका आकार एक ही है। कैसे में दोनों का आकार एक होने पर भी है तो शब्द अलग अलग होता है, ये कहना है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हम, जो ऐश्वर्य का ऐ था ना पहले, वो अलग, और अभी जो बैठा है वही, ये अलग, ये कहना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर लोग दवाई नहीं लिखते हैं, पहले जो दवाई लिखी थी ना पारासीटामॉल, वही खाना, तो वही है क्या? उसकी तरह भले ही हो लेकिन वही नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो पहले जो ऐश्वर्य था वो अलग है, और अभी जो ऐ बैठा है ये अलग है, हो गया ना, ये वृद्धि वाला ऐ है। अच्छा, मतलब देवता का ऐश्वर्य, देवताओं का ऐश्वर्य, ये अर्थ हो गया। उसके बाद कृष्णाधन औत्कंठ्य लिखो, कृष्णा आगे क्या भैया, औत्कंठ्य, औत्कंठ्य, ठीक है। तो देखो कृष्ण का अ और औत्कंठ्य का क्या है, औ, तो अ का स्थान कंठ और औ का स्थान कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ वाला कौन होगा, आ ऐ औ, तीनों में से कौन, औ, औ का स्थान कंठोष्ठ में होता है, इसलिए औ के बैठा दो। कृष्ण का अ चला गया, औत्कंठ्य का औ चला गया, तो दूसरा औ आकर बैठ गया, तो जोड़ देंगे तो कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा है, हो गया ना, अथवा कृष्ण में उत्कंठा है, ये अर्थ हो जाएगा, हो गया भाई। अच्छा सुनो, एक सामान्य सूत्र होता है, एक अपवाद सूत्र होता है, ठीक है, पहले बताया था, एक सामान्य सूत्र और दूसरा, दूसरा क्या है, अपवाद सूत्र है। सामान्य सूत्र का पर्यायवाचक क्या है, उत्सर्ग, ठीक है, और अपवाद का पर्याय है बाधक, है अपवाद बोलते हैं, ये न प्राप्ते, ये ना प्राप्ते लिखो, ये ना प्राप्ते यो विधिर, यो विधिर आरभ्यते, ये ना प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते, स तस्य, स तस्य, ये ना प्राप्ते यो विधिर, यो विधिर राधा आरभ्यते, सह तस्य अपवादः, ये अपवाद का लक्षण है भैया। देखो लिख दिया शंभु, मैं अर्थ बताता हूँ हिंदी में, लिखो जिस विधि की, लिखो हिंदी में लिखो, जिस विधि की अवश्य प्राप्ति होने पर, ऐसा लिखो, जिस विधि की अवश्य प्राप्ति होने पर, प्राप्ति होने पर, अतः प्राप्ति रहने पर, ऐसा भी कह सकते हो, प्राप्ति होने पर लिखो अथवा प्राप्ति रहने पर, है ना, जिस विधि का आगे, जिस विधि का आरंभ किया जाता है, जिस विधि का आरंभ किया जाता है, वह आरंभमाण विधि,
वह आरंभमाण विधि उस अवश्य प्राप्त विधि की बाधिका होती है, उस विधि की बाधिका होती है, आप लोग संस्कृत में लिखे हो ना लक्षण, ये ना प्राप्ते, को विच्छेद कर देंगे न अप्राप्ते, हैं अप्राप्त का अर्थ प्राप्त न होने पर, और न अप्राप्ति का अर्थ अप्राप्त न होने पर, मतलब प्राप्त होने पर, ये अर्थ हो जाए। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण घटा दे जाओ, हैं जैसे आप अभी किए हो ना कृष्ण धन एकत्व किए है ना, कृष्ण धन एकत्व में आदगुण प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, अवश्य प्राप्त था, अवश्य प्राप्त हो गया आदगुण, गुण विधि मतलब, फिर भी आपने वृद्धि रेचि को आरंभ किया, क्या कि नहीं वृद्धि आदेश किया ना, इसलिए जो वृद्धि जो एकादेश विधि है वृद्धि, ये हो जाएगी ये वो विधि, कौन विधि वृद्धि, वृद्धि एकादेश विधि अपवाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ बात कर देगी किसकी, जो विधि पहले प्राप्त थी, हैं कृष्ण एकत्व में कौन प्राप्त थी आदगुण, इसलिए गुण के प्रति, गुण के प्रति ये वृद्धि अपवाद हो जाएगी, समझ में आया, बोले जहाँ जहाँ पर अपवाद सूत्र लगता है वहाँ पर कोई ना कोई सामान्य जरूर होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो ना मीमांसा में आता है, जैसे कि दिया माँ हिंसा तर्वा भूतानी, वेदांत पढ़ने वाले को भी यहाँ पर घटाते जाओ, हैं तब समझ में आएगा, माँ हिंसा सर्वा भूतानी, ये हो गया सामान्य, सुन रहे हो, हाँ शंभु, हाँ नींद आ रही है तुमको, क्यों नींद आती है, रात में जल्दी सोया करो, तो माँ हिंसा सर्वा भूतानी, किसी भी प्राणी की हिंसा न करो, ये सामान्य हो गया, लेकिन एक अपवाद हो गया, क्या अपवाद हो गया कि अग्नि समयम पशुम आलभेत, हैं तो अग्नि समयम मतलब जाग संबंधी पशु की हिंसा कर सकते हो, अपवाद हो गया, इसलिए क्या सामान्य सूत्र कहाँ लगेगा, जहाँ पर अपवाद नहीं लगता है वहाँ पर सामान्य लगता है, ये नियम है, अपवाद विषयम प्रकल्प्य उत्सर्ग ततो अभिनिविशते, है ना, अपवाद हाँ अपवाद विषयम, ठीक हो लिखना है तो, अपवाद विषयम प्रकल्प्य, उत्सर्ग ततः अभिनिविशते, ये नियम होता है केवल व्याकरण में नहीं सर्वत्र, लिख दिया मतलब जहाँ पर हैं, हाँ जी, केवल अर्थ में बतला जाता हूँ, मैं तो छोड़ दूँगा लिख करके, जहाँ पर अपवाद सूत्र लगता है, ठीक है, जहाँ पर अपवाद सूत्र लगता है उसको बोलते हैं अपवाद का विषय, है कि नहीं, जैसे वृद्धि ऋजि कहाँ पर लगता है, हैं पर में एच हो तो बराबर ना, अवर्ण से परे एच हो तो, अपवाद का विषय क्या होगा, पर में एच हो तो, ठीक है, उसको छोड़ करके मतलब जहाँ पर में एच हो वहाँ पर नहीं, उसको छोड़ करके यदि हो तो उत्सर्ग मतलब सामान्य सूत्र लगेगा, है ना, तो अपवाद के क्षेत्र को मतलब अपवाद जहाँ पर लगता है उसको छोड़ करके अन्यत्र सामान्य सूत्र लगेगा, मतलब जहाँ पर में एच हो मतलब ए
ओ, ये चार वर्ण हो गया स्वर में से, अच में से चार वर्णों को छोड़ दो और अन्यत्र आदगुण लगेगा, है कि नहीं। जैसे उपेंद्र था ना, था कि नहीं। देखो उपधन इंद्र, ये इंद्र का जो ई है एच में आता है नहीं आता है ना, इसलिए वहाँ पर लग गया आदगुण। आ कृष्ण एकत्वम गंगोघ देवेश्वर्य कृष्णोत कट्यम है, तो ए क्रम से आया कि नहीं, ए ओ ई औ, ये चारों को दिखा दिया, इसलिए उसको छोड़ करके आदगुण लगा। जैसे उपेंद्र में लग गया, गंगोदकम में लग गया, ठीक है शंभु, हाँ ये दगा, ठीक है। तो ये नियम होता है, जहाँ पर अपवाद लगता है ना वहाँ पर सामान्य नहीं लगेगा, अपवाद को छोड़ करके सामान्य लगेगा, ठीक है। नहीं तो अपवाद में भी लगेगा सामान्य सूत्र, तो बेचारा अपवाद फिर कहाँ जाएगा, फिर अपवाद के लिए तो जगह होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आगे है भाई, देखो अगला सूत्र आ रहा है। एते धत्तुर्षु, एते धत्तुर्षु, अच्छा ये सूत्र को समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ पन्ना पलट दो, इस सूत्र को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, बाद में फिर लौटेंगे, क्यों संभव, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं फिर लौटेंगे। हालांकि ये सूत्र को बाद में देना चाहिए था, क्या है ये सूत्र को बाद में देना चाहिए था, है ना, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सूत्र को ठीक ठीक सरलता से समझने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए पन्ना पलट कर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो उपसर्गाः क्रियायोगे, बोलो उपसर्गाः क्रियायोगे, प्रादयः क्रियायोगे, बोलो प्रादयः क्रियायोगे, उपसर्ग संज्ञाः स्युः। दो पद है सूत्र में, उपसर्गाः लिखो प्रथमा का बहुवचन, उपसर्ग शब्द का प्रथमा बहुवचन बनता है उपसर्गः, लिखा जैसे रामो का रामः, उपसर्ग का क्या बनेगा उपसर्गः, है ना भाई। क्रिया योगे सप्तमी का बहुवचन, ये एक वचन, जैसे रामो का रामे बनता है सप्तमी में, इसमें क्रिया योग का क्रियायोग है, हाँ क्रियायोग, मतलब क्रियायोग कोई आश्रम है ना वो नहीं, यहाँ पर क्रियायोग एक संप्रदाय बन गया है क्रियायोग, हाँ क्रियायोग आश्रम है कि नहीं उधर गौशाला में, देखे हो वो, हाँ अक्रियाधाम या क्रियायोग वही है। चलो प्रातः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाशु, ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र वो कहते हैं क्रिया के योग में, लिखो अर्थ क्रिया के योग में, मतलब क्रिया का योग होने पर, लिखो भाई क्रिया का योग होने पर, क्रिया का योग होने पर, क्रिया का योग होने पर प्रादिगण में आने वाले शब्द की, प्रादिगण में आने वाले शब्द की उपसर्ग संज्ञा हो, उपसर्ग संज्ञा हो गया। संज्ञा सूत्र, संज्ञा कौन सी संज्ञा हो रही है, उपसर्ग संज्ञा हो रही है, ठीक है शंभु, कौन सी संज्ञा उपसर्ग संज्ञा, हाँ क्रिया, क्रिया का योग होने पर प्रादिगण में आने वाले शब्द की उपसर्ग संज्ञा हो,
हो गया। कौन से? हाँ हाँ वही आ रहा है, वही आ रहा है। प्रादिक गण का है नाम है, अब बताऊंगा अभी। तो संज्ञा कौन सी हो रही है? उपसर्ग संज्ञा। कौन सी? उपसर्ग संज्ञा, ठीक है। किसकी? प्रादिक गण में आने वाले शब्दों की, हो गया ना, ठीक है। लेकिन कब? क्रिया का योग होने पर। क्या है? क्रिया का योग होने पर, ठीक है। जैसे लिखो, जैसे उदाहरण में लिख दो, लिखो प्र प्लस रिच्छति, लिखो प्र प्लस रिच्छति, लिख दिया प्र प्लस रिच्छति, हाँ रिच्छति भी लिखते जाओ। रिच्छति ये है क्रिया, रिच्छति है क्रिया, लिखो रिच्छति बराबर क्रिया। हाँ रिच्छ वाला जा रहा है, रिच्छ गतो गति अर्थ में क्रिया है ये। अब प्र ये हो गया उपसर्ग, है ना, प्राधिकरण में आया प्र, तो क्रिया के साथ जोग हुआ कि नहीं? क्यों भाई, प्र का क्रिया के साथ जोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो इसलिए प्र की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर क्रिया के साथ जोग ना होता हो तो वहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। आए यहाँ पर उपसर्ग हो गया, रिच्छति क्रिया है ना, क्रिया के साथ जोग हो गया प्र का, इसलिए प्र की उपसर्ग संज्ञा हो गई। जैसे मान लीजिए प्राचार्य, क्या है? प्राचार्य, प्राचार्य, तो वहाँ पर क्रिया नहीं है तो वहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, है कि नहीं। जैसे प्रधान शब्द आया, प्राचार्य, प्राचार्य शब्द आया, तो वहाँ पर उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, ये समझना पड़ता है, ठीक है। अब प्राधिगण कह दिया ना, प्राधिगण, प्राधिगण में प्र शब्द पहले होता है इसलिए प्राधि बोलेंगे। प्राधि का अर्थ प्र जिसके आदि में हो, प्र आदि यस्य सप्राधि। तो प्राधिगण देखो, गण पढ़ रहे हैं अभी, हैं प्र परा, बोलो पर क्यों बोलते? प्र प्र परा अपसम अनु अव निस्निर दुष दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। देखो कितने आते हैं, 22 है ना, गिनते जाओ, 22 है हैं, हाँ ये 22 होते हैं, इसको बोलते हैं प्राधिगण। क्या कहते हैं? प्राधिगण में 22 शब्द आ गए। गण पाठ, पाणिनि ने गण पाठ लिखा, सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, लिंगानुशासन और क्या है, शिक्षा, क्या है, इसलिए पाणिनि व्याकरण को बोलते हैं पंचांग व्याकरण। क्या कहते हैं? पंचांग व्याकरण। तो पांच अंग हो गए कि नहीं, ऐसा है, इसलिए गण पाठ है। गण पाठ किसने लिखा है? पाणिनि, मतलब अनेक शब्दों को एक गण में लिख दिया, जैसे प्रादि बाईस है ना, उसको एक गण में लिख दिया। तो प्राधिगण में प्राधि गण का नाम प्राधि क्यों हुआ? क्योंकि आदि में प्र होने से इसका नाम प्राधि हो गया, ठीक है। एते प्रादय, देव लिख दिया ना, ये 22 शब्द प्रादि कहलाते हैं, हो गया। तो संज्ञा सूत्र भी आगे जरा सा आगे कहते हैं, भुवादयो धातवः, भुवादयो धातवः, दो पद भी लिखो। भूवादि का प्रथमा बहुवचन है भूवादयः, लिखो भूवादि, जैसा बोल रहे हैं ऐसा लिखो, है भूवादि,
का प्रथमा बहुवचन है भूवादयः। ठीक लिख दिया, जैसे हरि का हरय, भूवादि का भूवादय। फिर उसके बाद लिखो धातु शब्द का प्रथमा बहुवचन है धातव। ये धातु शब्द लिखा है, धातु शब्द हाँ धातु लिख दो, आगे लिख दो एक तीन, लिख दो धातु आगे एक तीन। एक तीन का अर्थ प्रथमा का बहुवचन। नहीं समझ में आया? अरे धातु लिख दो नीचे, धातु आगे लिख दो एक तीन, मतलब क्या हुआ? धातु शब्द के प्रथमा बहुवचन हो गया ना। अच्छा तो इसका अर्थ बताते हैं। धातु और ये दोनों का जैसे धातु और धातु है मूल शब्द, मूल शब्द उसका रूप हो गया प्रथम बहुवचन में धातव। जैसे हरि का हर हर यह बनता है, शंभु का, तुम्हारा नाम शंभु है ना, शंभु का प्रथम बहुवचन क्या बनेगा? संभव, संभव। इसी प्रकार धातु का धातव हो गया। हाँ अर्थ लिखो क्रियावाचिनो, क्रियावाचिनो भुआदयो धातु संज्ञा स्युः। तो कहते हैं क्रियावाचिना मतलब क्रिया का वाचक, मतलब क्रिया को बोध करने वाला। अर्थ लिख लो पहले, धातु पाठ में पठित, अर्थ लिखो हिंदी में, धातु पाठ में पठित शब्द, धातु पाठ में पठित शब्द लिखा के तुल्य। फिर बोलो धातु पाठ में पठित शब्द के तुल्य वर्णमाला युक्त क्रियावाचक भू आदि शब्दों की, भू आदि, भू में दीर्घ होकर है, भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा होती है, धातु संज्ञा होती है। लिख दिया? क्या लिखा भैया? धातु, फिर बोलूँ, धातु पाठ में पठित शब्द के तुल्य वर्णमाला युक्त क्रियावाचक भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा होती है, धातु संज्ञा होती है। ठीक है हाँ, धातु पाठ में पठित, देखो तो धातु पाठ लिखा है ना, धातु पाठ किसने लिखा? धातु पाठ धातु पाठ लिखा पाणिनि ने, है ना। जैसे प्रादि गण के पहला शब्द क्या है? प्र, उसका नाम प्रादि हो गया, है ना। तो एक धातु पाठ लिखा है पाणिनि ने, सबसे पहला धातु होता है धातु पाठ में भू धातु। क्या धातु? भू धातु। लिखो धातु पाठ में पहला धातु होता है भू, पहला धातु भू होता है, दीर्घ उकार भू, अर्थ है भू सत्तायाम, भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ में भू धातु होता है ना, सत्ता अस्तित्व है ना। इसलिए भू शब्द से मंगलाचरण हो जाता है। किस शब्द से? हाँ जैसे सूत्रपाठ, सूत्रपाठ का पहला सूत्र क्या है? पाणिनि अष्टाध्यायी के पहला सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। तो पहला शब्द वृद्धि है कि नहीं? तो वृद्धि शब्द से मंगलाचरण कर लिया पाणिनि ने, कितना बुद्धिमान है। देखो
इसी प्रकार से धातु पाठ का पहला धातु होता है भू, इसलिए भू शब्द से मंगलाचरण कर दिया महर्षि पाणिनि। भू सत्ताया, सत्ता अर्थ में भू धातु होता है, सत्ता तो परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है कि नहीं, तो परमात्मा का वाचक हो गया कि नहीं भू, है ना, ऐसा इसलिए मंगलाचरण हो गया। ठीक है, हाँ, धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ध्यान रखना, धातु के एक अर्थ नहीं होते हैं, धातु नाम अनेकार्थ, धातु नाम अनेकार्थ, धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जो मुख्य अर्थ होता है, क्या है मुख्य अर्थ होता है, उसका वहाँ पर पाठ किया है, उसका वहाँ पर पाठ किया है, इसका हम लोग कल करते हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां न पंचवार उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धं नेत विमर्श शिवसूत्रजालम्।